नमस्कार, अनादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। शुरुआत भोपाल की खबर से करेंगे जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है और बीजेपी उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी। तो स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है और बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में इसे मनाने जा रही है। माफ करिएगा, 25 दिसंबर को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और एक दिन पहले से ही बीजेपी इस कार्यक्रम को मनाएगी सुशासन दिवस के रूप में। 25 दिसंबर को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन, सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सरकारी दफ्तरों में सुशासन की शपथ दिलाई जाएगी। 25 दिसंबर को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी। जन्मदिन से एक दिन पहले सुशासन दिवस मनाया जाएगा और सरकारी दफ्तरों में सुशासन की शपथ दिलाई जाएगी। इसके आदेश भी सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिए हैं। सीधे रुख करेंगे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता का, जो कि लाइव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। वैभव जी, किस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन बीजेपी मनाने जा रही है, सुशासन दिवस की बात कही जा रही है, इसके अतिरिक्त और क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? बिल्कुल जया, भारत रत्न और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का 25 दिसंबर को जन्मदिन है। उनके जन्मदिन को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मनाने जा रही है। 25 दिसंबर से पहले यानी कि 24 दिसंबर को सभी शासकीय कार्यालयों में सुशासन दिवस पर एक शपथ दिलाई जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन रहा है, उन्होंने हमेशा जनहित के काम किए हैं, जनहित की योजनाओं को लागू कराने में बेहद महत्वपूर्ण योगदान अटल बिहारी वाजपेयी का था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ ही कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ प्रदेश की जनता तक, देश की जनता तक अब तक पहुंच रहा है। हम जो देखते हैं कि गांव तक सड़कें पहुंच गई हैं, गांव शहरों से जुड़ गए हैं, तो जो योजना थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसकी शुरुआत स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ही की गई थी, जिसका मूर्त रूप हम आज तक देख रहे हैं और अभी भी गाँव को शहरों से जोड़ने का काम लगातार जारी है। जहां 24 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में सभी अधिकारी कर्मचारियों को सुशासन दिवस की शपथ दिलाई जाएगी, जहां अधिकारी कर्मचारी ईमानदारी से अपना काम करने की शपथ लेंगे, कर्तव्य निष्ठा की शपथ लेंगे, वहीं 25 दिसंबर को पीएम मोदी भी संबोधित करने जा रहे हैं। देश के किसानों के खाते में जो पीएम सम्मान निधि के तहत जो राशि पहुंचानी थी, उस राशि को पहुंचाया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर पीएम मोदी भी किसानों से संवाद करते हुए नजर आएंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जिस तरह का भारत बनाना चाहते थे, उनका जो संकल्प था उसे किस तरीके से पूरा करना और कहाँ कमियाँ रह गई, उसकी भी समीक्षा की जाएगी। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की जो सोच थी वो दूरदृष्टा, बहुत लंबी सोच रखते थे वो, शांति से शासन करने वाले भी जाने जाते थे और जहाँ उन्हें कमियाँ नजर आती थी तो वो किसी को रोकने में किसी तरह की कोताही नहीं बरतते थे। तो हमने देखा है उनके जीवन को, किस तरीके से उनके शासनकाल में भारत आगे बढ़ा है। पोखरण का जो परीक्षण किया गया था उसके बारे में दूसरे देशों को कानों कान तक खबर नहीं हो पाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी अपने देश के नागरिकों पर भरोसा रखते थे और उन्हें अपने देश की तकनीक पर भरोसा था, यही कारण थे कि वो हमेशा कहते थे कि भारत को बढ़ाना है, किसानों को बढ़ाना है, तो उन्होंने बढ़ाने की सोच हमेशा सोची और यही कारण था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को वो लेके आए। स्वर्णिम चतुर्भुज उनके शासन के दौर में आया और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से शहरों के बाद भारत के गाँव का विकास हो रहा है, पूरे देश के किसान आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं और उपज के साथ साथ वो अन्य तरीके भी अपनी आय बढ़ाने के बारे में भी सोच रहे हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण है। और बीजेपी उनके जन्मदिन को सुशासन सप्ताह के रूप में मना रही है। 24 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। सबसे पहले शासकीय अधिकारी कर्मचारी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के एक दिन पहले सुशासन दिवस के रूप में शपथ भी लेंगे, ईमानदारी से अपना काम करने की शपथ लेंगे, काम को समय सीमा में करें, जनता को किसी भी अधिकारी कर्मचारी के चलते परेशान ना होना पड़े और अपने काम में लापरवाही ना बरतें, इसकी अधिकारी कर्मचारी कल शपथ लेंगे। बिल्कुल, सुशासन दिवस के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन बीजेपी मनाने जा रही है। वैभव जी, सुशासन दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा और किसानों को भी एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके जन्मदिन के मौके पर देंगे, तो क्या ये माना जा सकता है, हालांकि एक बड़ा दिन है बीजेपी के लिए और इसीलिए किसानों को एक बड़ी सौगात, इसके साथ ही किसानों के अंदर जो भ्रम फैला हुआ है उसे भी दूर करने की कोशिश इस दिवस पर की जाएगी बीजेपी के जरिए?
बिल्कुल जो है, आपसे कुछ दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान जब प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, तो उन्होंने उसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा बताई थी कि किस तरीके से भारत रत्न स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन बीजेपी मनाने जा रही है। सुशासन दिवस के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में पैसे भी ट्रांसफर करने जा रहे हैं, जो कि किसानों का हक है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किसानों के भीतर जो भ्रम है, कृषि कानून जो 3 नए कृषि कानून लेकर आए गए हैं, इनको लेकर जो भ्रम है, विपक्षी पार्टियां जो भ्रम फैला रही हैं, तो हम उन चिट्ठियों को हर किसान तक पहुंचाना चाहते हैं। हम उस चिट्ठी का हित बताना चाहते हैं, हम किसानों को बताना चाहते हैं कि कृषि मंत्री आपकी हर बात का जवाब इस चिट्ठी के माध्यम से दे रहे हैं, तो आप इस चिट्ठी को पढ़िए और आपके भीतर जो भ्रम आ गया है, जो कि विपक्षी दलों के द्वारा कई बार सोशल मीडिया भी एक तरह से टूल के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इस चिट्ठी को हर किसान तक पहुंचाना चाहती है बीजेपी। प्रत्येक देश का किसान इस 8 पेज की चिट्ठी को पढ़े तो उसके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा, ये कहना था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। तो ये चिट्ठी भी पहुंचाई जाएगी और इसके साथ ही किसानों के हित में जो जनहितैषी कार्य किए जा सकते हैं, जो योजनाएं लेकर आई जा सकती हैं, उसको भी हम देखेंगे। पीएम मोदी को भी जब किसानों से संवाद करेंगे तो वो किसान आंदोलन की बात भी कर सकते हैं, और किसान आंदोलन की उपज कहाँ से हुई, कैसे किसान आंदोलन बढ़ा, इसके बारे में भी पीएम मोदी किसानों से जब संवाद करेंगे तो बात करेंगे। तो किसानों का हित साधना इस वक्त भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के लिए सर्वोपरि हो गया है। तो जहाँ पीएम नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में पैसा पहुँचाएंगे, वही राज्य सरकार भी किसानों के लिए कुछ आगे काम कर सकती है। बिल्कुल, तो स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 25 दिसंबर को जन्मदिन है और इस दिन को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मनाने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं, सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों को सुशासन की संकल्प दिलवाया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि किसानों को भी एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन पर देने जा रहे हैं। करीब प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में हस्तांतरित किए जाएंगे। मैं लौटूंगी, वैभव जी बने रहेगा। तो एक तरफ जहां किसानों को सौगात दी जाएगी, वहीं दूसरी तरफ राजधानी भोपाल में किसान अब आंदोलन का असर दिखेगा। किसान आंदोलन का असर राजधानी की सड़कों पर भी नजर आएगा।